और अब सीधे चलते हैं आरजेडी के सांसद एडी सिंह के पास। सिंह साहब, आपके नेता को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि खेला बाकी है। किस तरह का खेल अब होने वाला है बिहार में? सरकार तो गई हाथ से। देखिए, जनता मालिक है। अगर तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि अभी खेल बाकी है, तो इसका मतलब जनता जनता है। विचार, बिहार की परिस्थिति पिछले 30-50 साल से बड़ा विचित्र है। हमारे प्रिय मुख्यमंत्री नीतीश जी अब 18-20 साल से बने हुए हैं, बट एज ए एमएलसी, नॉट एज ए एमएलए। तो उनको तो खुद ही जनता के पास जाने में डर लगता है। तो और दूसरा, पिछले 18 साल में अगर किसी बिहार के नेता ने नौकरी की बात की थी, तो वो तेजस्वी यादव थे। और 2.5-3 लाख नौकरी की पर्चियां भी बटी, नियुक्तियां भी हुई। और ऐसा है कि डबल इंजन की सरकार तो छोड़ दीजिए, आई हैव वेरी लिटिल फेथ ऑन द गवर्नमेंट ऑफ मिस्टर नीतीश कुमार एंड बीजेपी। आई विल बी हैप्पी द डे ऑल द बिहारीज हु आर वर्किंग एज लेबर इन द फील्ड्स और इन डोमेस्टिक हेल्प और एज चौकीदार, इफ दे आर बैक इन बिहार विथ एंड गेट सम जॉब विच विल गिव देम सम सम काइंड ऑफ। बताइए कि एक ही चुनावी कार्यकाल में तीसरी बार अब नीतीश कुमार शपथ ले रहे हैं। पहले एनडीए के साथ थे, फिर आप लोगों के साथ आया, फिर एनडीए में वापसी उनकी हो रही है। जैसे कि जेपी नड्डा को हमने सुना, कह रहे हैं कि नेचुरल अलायंस जो है नीतीश कुमार का, वो एनडीए ही है। तो ऐसे में क्या नाराजगी हो गई, क्यों नहीं मना पाए आप साथ रहने के लिए उनको? नहीं, देखिए, ऐसा है कि नीतीश जी तो नौवीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं, तो वो तो शपथ इस तरह देते हैं जैसे कपड़े बदले जाते हैं। और इसमें मनाने की बात नहीं है, बात है जनता जनता के वेलफेयर के लिए काम करना। अगर उनको लगता है कि उनको उस ग्रुप के साथ वो सेवा कर पाएंगे, बट हमको तो समझ में नहीं आता है कि बिहार में पिछले 30-40 साल में कोई भी काम हुआ हो। आज भी दिल्ली के किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, बॉम्बे के किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, केरला चल जाइए, बिहारी चौकीदार, बिहारी लेबर घूम रहा है। सो व्हाट डेवलपमेंट आर वी टॉकिंग? डज बीजेपी नो व्हाट डेवलपमेंट मींस? इज देयर एनी लीडर ऑफ बीजेपी हु इज वर्थ? बट सरकार तो आपकी थी, आप लोगों ने क्या किया फिर? आप अभी आप बीजेपी से सवाल करें, बीजेपी की तो सरकार आज बन रही है, इससे पहले तो आपकी सरकार थी। तो आप लोगों ने क्या किया कि लोगों को वहां रोजगार मिले, नौकरियां मिले और वो राज्य छोड़कर बाहर ना निकले? नहीं नहीं, आप ये देख लीजिए, बिहार में अफसरशाही की सरकार है और 4-5 जो आईएएस ऑफिसर घिरे रहते हैं हमारे मुख्यमंत्री को, वही सरकार चलाते हैं। और ये जो जितने भी बीजेपी के मंत्री हैं, आई डोंट थिंक दे हैव एनी पावर। इट इज ऑफिसर्स हु आर रनिंग दिस स्टेट एंड दे आर। मैं आपको बताता हूं कि 2-3 साल पहले एक बार ऐसा हुआ कि मैं चीफ सेक्रेटरी से मिलने बिहार ये सचिवालय चला गया। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि आई डोंट सी एनी लीडर्स अराउंड इन दी कॉरिडोर्स। बोला किसी का काम ही नहीं होना है अनलेस मुख्यमंत्री स्पीक्स। तो ऐसा है कि सरकार ये जो भी चलेगी, जो जब तक बिहार का लेबर या गरीब वापस आके उसको काम नहीं मिलता है, आई हैव वेरी लिटिल रिस्पेक्ट फॉर एनी गवर्नमेंट। क्या ये सब बातें आप लोग, आपके ही मुख्यमंत्री थे वो कल तक, तो वो बातें आप लोगों ने पहुंचाई कि नहीं? He was deputy chief minister, and if we go by the norms of the administration, deputy chief minister is a misnomer. All power vests with the chief minister. It is just that you are number 2 or number 3 as deputy chief minister. ये ऐसा नहीं है, deputy prime minister और deputy chief minister का कोई value नहीं होता, they are just like any cabinet minister. तो ऐसे में एक आखिरी सवाल ये कि जब आपका काम नहीं बन पा रहा था या काम नहीं हो रहा था, सारे पावर्स चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर थे, तो किस बात का इंतजार हो रहा था कि बीजेपी आए, उन्हें अपने साथ ले जाए, या फिर आप लोग कुछ फायर फाइटिंग कर सकते थे सरकार में रहते हुए? आप देखिए, ऐसा है कि अब तो हम लोग जनता के पास जाएंगे ना, तो जनता ही फैसला करेगी कि कौन किसका है। और ये ऐसा है ना कि ये सब सवाल जो आप पूछ रहे हैं सब बेकार है। आपको ये पूछना चाहिए कि कब आप पलायन बिहार में रोकिएगा, कब बिहारी लोग वापस आएगा, कब आप रोजगार दीजिएगा,
एंड लेट मी टेल यू, आई हैड मेड प्रॉमिस टू इन 2010 टू इन्वेस्ट सेवरल हंड्रेड करोड़, बट देर वॉज नो इंटरेस्ट फ्रॉम द बिहार गवर्नमेंट. देर वॉज एवरी टाइम आई यूज टू आस्क टाइम फॉर द मुख्यमंत्री, ही यूज टू टेल मी दैट ही इज बिजी फॉर 2-3 मंथ्स. सो ये बिहार का कोई नेता अगर मुझसे बोलता है ना कि वहां पर डेवलपमेंट करना चाहता है तो वो हमसे जरा बात कर ले. और चलिए तो आप कह रहे हैं आरजेडी के सांसद हैं एडी सिंह साहब, और आप कह रहे कि सुनवाई नहीं हो रही थी, काम नहीं हो रहा था, और जो डेप्यूटी सीएम थे उनके हाथ में कोई पावर नहीं था, और जैसा कि आपके नेता ने आपसे कुछ देर पहले नो पावर टू द एक्सटेंट दैट ही वाज जस्ट लाइक एनी कैबिनेट मिनिस्टर. कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से खेल होना बाकी है, आरजेडी कह रही है. अब देखना होगा कि किस तरह का खेल होता है. आप कह रहे हैं आप जनता के पास जाएंगे. बहुत शुक्रिया एडी सिंह साहब हमसे बात करने के लिए. एक लास्ट बात ये बोलना चाहते हैं कि बिहार के सीएम को पता नहीं है डेवलपमेंट का मतलब. वो कुछ दिन पहले चले गए बेगूसराय में एक बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन करने. नाउ बॉटलिंग प्लांट इज नॉट इंडस्ट्री. वो 1.5 लाख लीटर पानी जमीन से निकाल रहा है हमारा, उसको गंगा से पानी लेना है. तो गवर्नेंस तो है ही नहीं. सीएम नीतीश कुमार जब भी सीएम रहेंगे देयर वोंट बी एनी गवर्नेंस, इट विल बी इन द हैंड ऑफ 4-5 IAS ऑफिसर्स. वो आप कह रहे हैं कि वो अपने अलायंस के पास पहुंच गए हैं और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं है. आप लोग जनता, आप कह रहे हैं कि जनता इसका जवाब देगी. देखना होगा कि क्या होता है 2024 के लोकसभा चुनावों में, इसका क्या असर होता है. शुक्रिया हमसे बात करने के लिए एडी सिंह, जो सांसद हैं आरजेडी के. और अब हमारे साथ एक खास पैनल, दानिश रिजवान प्रवक्ता हम के, अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस के, प्रोफेसर सुहेली मेहता बीजेपी के प्रवक्ता, रजत सेठी राजनीतिक विश्लेषक, और सुनील सिंह राजनीतिक विश्लेषक. आप सभी लोगों का स्वागत है. सुनील सिंह जी, अगर मैं आपसे शुरू करूं, जो बात मैं लगातार एडी सिंह साहब से पूछने की कोशिश कर रही थी, आप नीतीश कुमार को बेहतर जानते हैं, क्या हुआ कि एक ही रात में बाजी पलट गई, कल इस्तीफा, आज शपथ ग्रहण. देखिए सिक्टा जी, पहले एडी सिंह जो बोल रहे थे विगत 30 वर्षों की चर्चा कर रहे थे. इस 30 वर्ष में लालू राबड़ी काल भी आता है, पता नहीं वो कैसे ये बात कह जा रहे थे. और उनके कहने में ये बात व्यथित हो रहा था कि वो आरजेडी सत्ता जाने की छटपटाहट में है और उसमें अनर्गल वो इनकोहरेंट बातें कर रहे थे. खैर, उनकी बातों को विवेचना करना हमारा विषय नहीं है. अब आपने क्या कहा हुआ, अब आगे बढ़ते हैं. अब क्या हुआ, देखिए नेचुरल एलाई नीतीश कुमार जी का भाजपा ही था, जो कि सबसे लंबे समय तक अस्थायित्व साथी था. अब किसी कतिपय कारणों से वो अलग हुआ, लेकिन अभी जो उसकी जो होमकमिंग हुई है, तो हमें लगता है कि जिस तरह की बातें जदयू के प्रवक्ता ने कहा कि राजद के मंत्रियों को रिश्वत लेने की और भ्रष्टाचार करने की छूट नहीं थी, वो जो अपना जॉब दिए थे तो जॉब के एवज में कुछ लेने की आदत है जो उन लोगों को प्राप्त नहीं हो रहा था, ये उनका कहना है. और इसके एक दूसरी चीज की जो विकासात्मक कार्य प्रभावित हो रहे थे, कि खुली जो नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं विकासात्मक कार्य करने के लिए, तो विकासात्मक कार्य के लिए खुली छीट उन्हें नहीं मिल रही थी, तो निश्चित ही बिहार का विकास, जैसा कि नीतीश कुमार जी ने कहा कि उनका सर्वोपरि लक्ष्य है, और बिहार का ऐच्छिक विकास करने के लिए डबल इंजन की सरकार का महत्व उन्होंने जाना, और उनकी एक तरह से होम कमिंग हुई. कोई ये कोई नया पिच नहीं है, ये पुराना पिच है जिसमें बैटिंग करने में उन्हें आसानी होगी. बैटिंग करने में आसानी होगी. प्रोफेसर सुहेली मेहता और दिनेश रिजवान, आप दोनों को मुबारक. आप लोगों की सरकार आज एक बार फिर, दानिश रिजवान जी, आप दोनों की सरकार एक बार फिर यहां बन रही है. और ये बताइए कि अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं, लेकिन सुहेली जी, आप वक्त लग गया मनाने में नीतीश कुमार को, लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है. नहीं नहीं, इसमें मनाने की कोई बात नहीं है. देखिए 25 साल से जो नेचुरल अलायंस है हम जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के साथ, और 18 साल लगभग बिहार में हमारी सरकार चली, और जो -10 में पहुंच गया था बिहार, ये जो अभी आरजेडी के राज्यसभा के सदस्य बोल रहे थे कि 30 साल से बिहार जो है बर्बाद है, 15 साल उसमें बर्बाद था, उसको आबाद करते करते 15 साल और लग गया था, लेकिन फिर भी जितनी बर्बादी हो गई थी राष्ट्रीय जनता दल के समय में, कि जितने भी उद्योग थे बिहार में चीनी मिल से लेकर, कि 15 साल तक इतनी कोशिश के बावजूद
वो अभी तक रिकवर नहीं हो पाया है और अब फिर से नीतीश कुमार जी घर वापस लौटे हैं, तो आगे हो सकता है कि इन सब चीज के लिए भी आगे कवायद हो। इसलिए लग रहा है कि एडी सिंह जी आश्वस्त है, आप लोगों के साथ ही रहेंगे, अभी फिलहाल रहेंगे, आश्वस्त हैं आप लोग, भरोसा है। देखिए हमारा नेचुरल अलायंस है, नीतीश जी को कंफर्टेबल लगता है भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये आप सब लोगों ने देखा, बिहार की जनता ने देखा और बिहार की जनता ने भी वोट जो किया था, जो हमें माइंडेट दिया था, वो हमारे अलायंस को ही दिया था। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि नेचुरल अलायंस है और इस बात को समझा नीतीश कुमार ने और आप साथ हैं। दानिश रिजवान जी, आप लोगों को अंदाजा था देर सवेर नीतीश कुमार यह फैसला लेंगे, क्योंकि आप लोगों ने तो यह फैसला बहुत पहले ले लिया था। देखिए, जब वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस वक्त महागठबंधन के साथ गए थे, उसी वक्त ये तय हो गया था कि आज नहीं तो कल उन्हें हमारे साथ वापिस आना है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल की नीति और नियत दोनों में एक चीज कॉमन है कि वो प्रेशर की पॉलिटिक्स करते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बता रहा हूं कि बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, 38 जिलों में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लिस्ट आ जाता है कि 44 जिलाधिकारियों की पदस्थापना कर दीजिए, क्योंकि उनके यहाँ नेतृत्व की कमी है। लालू प्रसाद यादव जी 12 डीएम का नाम भेज देते हैं, तेजस्वी जी 14 डीएम का नाम भेज देते हैं, तेज प्रताप जी 4 डीएम का नाम भेज देती है, मीसा भारती जी 8 डीएम का नाम भेज देते हैं, और जो नाम लेकर आने वाला है वो भी अपने 3-4 नाम जोड़ देता है। तो पता लगता है कि अकेले बिहार में जिले 38 है और लिस्ट आ गया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का कि नहीं हमारे 44 लोगों की आप पोस्टिंग कर दीजिए। तो फिर ये ऐसे काम हो सकते हैं क्या? अभी हम एडी सिंह जी की बातों को सुन रहे थे, एडी सिंह जी कह रहे थे कि भाई हमें काम नहीं करने दिया जा रहा था। अगर काम नहीं करने दिया जा रहा था तो आज भारी भरकम विज्ञापन तेजस्वी यादव जी ने अखबारों में छपवाया है। आप लोगों का अंदाजा था ये फैसला होगा देर सवेर? ये होना ही था। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी प्रेशर की राजनीति नहीं करते और उनके ऊपर में कोई प्रेशर नहीं बना सकता, कोई दबाव नहीं बना सकता है। तो हमें पता था कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उनके ऊपर में दबाव बनाया जाएगा और अंततः वो दबाव से इतने उब जाएंगे। प्रेशर आप लोगों के नेता पर भी था, इंडिया ब्लॉक की तरफ से आप लोगों के नेता पर प्रेशर था, मुख्यमंत्री पद की गुजारिश की जा रही थी, प्रेशर था लगातार उनके तरफ से ये कहा जा रहा था कि आप हमारे साथ चले आइए, लेकिन हमारे नेता ने एक चीज तय कर लिया था कि हम जहां जाएंगे वहीं जाएंगे जहां नरेंद्र मोदी जी जाएंगे, जहां एनडीए जाएगा, और हम कहीं गए नहीं, हम एनडीए में थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रताड़ित होकर के हमारे यहां आए हैं, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था, जबरदस्ती का दबाव बनाया जा रहा था। तो कोई आदमी कब तक दबाव में रह पाता, वो हमारे साथ आए, हम कहीं नहीं गए। अभय दुबे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, दानिश जी हमको सुन रहे हैं, अगर हम उनके पास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन रजत सेठी जो बड़ा सवाल इस वक्त है कि 2024 के लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और आज की सरगर्मियां देखकर आप किस तरह का राजनीतिक एक तरह से नया टर्न होने वाला है बिहार की राजनीति में, खास तौर से लोकसभा चुनावों को देखते हुए? देखिए, मैं एक चीज पिछले कुछ स्पीकर्स ने जो बोला अभी, मैं उससे डिसएग्री करता हूं और मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां पर कोई होमकमिंग नहीं हुई है। नीतीश कुमार का घर ही उनका घर है, वहीं पे वो होमकमिंग करते हैं और उनकी जो फितरत है वो फितरत सबको पता है। ऐसा नहीं था कि उनको डबल इंजन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि डबल इंजन से ही बिहार का विकास हो सकता है। इतनी बार जो उन्होंने आगे पीछे किया, 10 जगह जाके एक्सपेरिमेंट्स किए, ये सब देखिए, जितने भी राजनीतिक प्रतिबद्धता है, मैं हम पार्टी और बीजेपी दोनों की बातें समझ सकता हूँ क्योंकि उनको कुछ तो बोलना है, लेकिन आप इसमें कहीं से भी नैतिकता की कोई भी किसी भी एंगल से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, एक राजनीतिक तरीके से बीजेपी जरूर सोच रही होगी कि 2024 के जो चुनाव हैं उसमें रिकॉर्ड तोड़ तरीके से बिहार संख्या देगी, एमपीज की संख्या देगी वहां से, और लगभग इसमें इंडिया ब्लॉक के बारे में मैं ये तो चीज दावे से कह सकता हूं कि बॉडी ब्लो है इंडिया ब्लॉक को, इंडिया ब्लॉक अब इससे तो उभर नहीं पाएगा। अब उनके पास, मैं तो यहां तक बोलूंगा कि कांग्रेस की जो स्थिति लग रही है, पूरे नॉर्थ इंडिया में एक भी सीट पार्लियामेंट की सीट नहीं जीत सकती अभी कांग्रेस इस अवस्था में।
तो स्थिति तो बहुत नाजुक है इंडिया ब्लॉक की, लेकिन ये जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है नीतीश कुमार का, इसको कवर अप करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और बिहार की जनता के सामने तो ये चीज एकदम क्लियर है, वो 10 साल से लगातार इनके मैंडेट को कम करती ही जा रही है, लगातार जेडीयू का वोट शेयर कम होता ही जा रहा है। और भविष्य में मुझे लग रहा है कि ये दो पार्टियों का सिस्टम रह जाएगा बिहार में, एक तरफ बीजेपी और उसके कुछ घटक दल होंगे और दूसरी तरफ आरजेडी होगा, यही दो धुरी रहेंगी बिहार की राजनीति की, तीसरे की कोई संभावना नहीं होने वाली।